A for apple, B for ball तो हम सब ने पढ़ा है स्कूल में, पर क्यों ना अब कुछ अलग ट्राई करें? जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू शो स्टार A to Z, जहाँ हम जानेंगे एक बॉलीवुड स्टार की लाइफ की A to Z, कौन है या फिर क्या है वो 26 reasons which makes your favorite star so special, या फिर at times not so special, the 26 alphabets that define or redefine the enigma called a superstar. तो चलिए let's reread हमारे जाने पहचाने alphabets को in a completely unique and different way in Star A to Z. और आज के episode में हम जानेंगे Bollywood की जंगली बिल्ली super hot diva प्रियंका चोपड़ा की life के 26 alphabets को. A for Andaz and Akshay Kumar. प्रियंका की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला अल्फाबेट ए स्टैंड्स फॉर टू वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स इन हर लाइफ. अंदाज, हर फर्स्ट फिल्म एज अ लीड एक्ट्रेस, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिली थी. एंड दूसरा ए है अक्षय कुमार, हर फर्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी इन बॉलीवुड एंड हर फर्स्ट अलेजेड बॉयफ्रेंड टू. जी हाँ, अ मच मैरिड अकी एंड पीसी के रोमांस के चर्चे बी टाउन के बाजार को इस कदर गर्म कर चुकी थी कि सुनने में आया था कि ट्विंकल खन्ना ने एक बार अकी को घर से भी बाहर निकाल दिया था. एंड शी गेव एन अल्टीमेटम टू अकी दैट प्रियंका के साथ वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे, और बीवी के इस लक्ष्मण रेखा को अकी आज तक मान रहे हैं. B for brother and Bareilly. अगर प्रियंका से पूछा जाए हु इज दैट वन पर्सन हुम शी लव्स द मोस्ट इन हर लाइफ आफ्टर हर डैड, द आंसर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी भाई सिद्धार्थ. पीसी अपने छोटे भाई से बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं और उन पर जान छिड़कती हैं. सिद्धार्थ ही वो रीजन है फॉर हुम आज पीसी इज हु शी इज, क्योंकि उन्हें मिस इंडिया ऑडिशंस के लिए पिक सिद्धार्थ ने ही भेजे थे विदाउट हर नॉलेज. द अल्फाबेट बी इज ऑल्सो स्पेशल फॉर प्रियंका, क्योंकि बरेली में उन्होंने अपने बचपन के कई साल बिताए हैं और इस शहर से जुड़ी उनकी कई यादें हैं. सी फॉर क्रिमिनल साइकोलॉजी. हमारी हॉट एंड सुपर सेक्सी प्रियंका बचपन में बनना चाहती थी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट. जी हाँ, इमेजिन उन लकी क्रिमिनल्स का क्या होता जिनको साइको एनालाइज करती ये जंगली बिल्ली. पर किस्मत का कुछ और ही प्लान था एंड दिस ब्यूटी लैंडेड इन बॉलीवुड. डी फॉर डैडीज लिटिल गर्ल. प्रियंका अपने डैड से बेहद प्यार करती हैं एंड दिस लिटिल गर्ल इज वेयरिंग हर हार्ट ऑन हर रिस्ट नाउ विद अ न्यू टैटू दैट रीड्स डैडीज लिटिल गर्ल. इन फैक्ट दिस इज प्रियंकास फर्स्ट टैटू एंड शी चोज टू पे ट्रिब्यूट टू हर फादर हुज बीन इल फॉर अ व्हाइल नाउ थ्रू हर न्यू बॉडी इंक. ई फॉर एंडोर्समेंट्स. प्रियंका चोपड़ा इज कॉल्ड द एंडोर्समेंट क्वीन ऑफ बॉलीवुड. सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर हेयर ऑयल, शैम्पू से स्कूटर तक प्रियंका इज सीन ऑल ओवर टीवी. इन फैक्ट आज टीवी पर किसी भी खान से ज्यादा दिखती हैं ये चोपड़ा चिक, लीडिंग द यूथ ब्रिगेड एज द फेस ऑफ मेनी ब्रांड्स. एफ फॉर फैशन. पीसी के लाइफ में द एफ वर्ड हैज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, क्योंकि फैशन इज द फिल्म फॉर विच शी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस. मधुर भंडारका की इस फिल्म के लिए प्रियंका को उनकी लाइफ की पहली फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के साथ साथ नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला फॉर प्लेइंग अ रोल ऑफ एन एस्पायरिंग मॉडल. जी फॉर गौरी खान.
जी फॉर गौरी है आज प्रियंका की लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किल। जब से उनके और SRK के अलेजेड अफेयर के रूमर्स सुनने को मिले हैं, गौरी हैज बीन गिविंग PC अ रॉयल इग्नोर। गौरी और प्रियंका जो पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, डोंट सी आई टू आई टुडे। और गौरी की वजह से ही हर फ्रेंड सुजैन रोशन इज ऑल्सो इग्नोरिंग प्रियंका। इवन करण जौहर हैज लॉस्ट हिज कूल ऑन PC बट लेटर मेड अप विद हर। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि गौरी ने SRK को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो अब प्रियंका के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे। एच फॉर हरमन बवेजा। हरमन बवेजा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन प्रियंकाज लाइफ। दो इन दोनों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, बट अलेजेडली इट वॉज वेरी एविडेंट दैट एट वन पॉइंट प्रियंका वॉज वेल पॉइज्ड टू बिकम अ बवेजा बहू। और जब हरमन की डेब्यू फिल्म लव स्टोरी 2050 के लिए हीरोइन नहीं मिल रही थी, तो PC वॉलंटियर टू रोमांस हरमन ऑन स्क्रीन एज वेल। सैडली बोथ द फिल्म एंड देयर रिलेशनशिप बॉम्ब्ड सून आफ्टर। आई फॉर इन माय सिटी। इन माय सिटी है प्रियंका का वो सपना जो शायद वो कई साल से देखती आ रही हैं। इट्स द नेम ऑफ प्रियंकाज फर्स्ट इंग्लिश म्यूजिक एल्बम विच इज इन कोलैबोरेशन विद द ब्लैक आइड पीज रैपर विलियम, एंड द सिंगल वाज रिलीज्ड ऑन सितंबर 13, 2012 इन द USA एट एन NFL गेम। इस गाने में प्रियंका डिस्क्राइब्स हर नोमैडिक चाइल्डहुड वेयर शी ट्रैवल्ड अक्रॉस वेरियस सिटीज इन इंडिया ओइंग टू हर डैड्स प्रोफेशन। Priyanka said, "The sense of belief in me from everyone around is incredible, so I better deliver." And PC did deliver, as the single has broken records as the sales crossed 1 lakh within the first week of its release. Way to go, PC! J for Jhilmil. Priyanka Chopra is just brilliant as Jhilmil, superbly nuanced and pitch perfect. Her portrayal lingers long after the film. Ye bol rahe hain none other than ace director Karan Johar. Ji haan, Priyanka Chopra as the autistic Jhilmil in Barfi just brings tears of happiness in everyone's eyes. Kaha ja raha hai ki ye shayad Priyanka ke career ka best performance hai, and we completely agree with that. K for खतरों के खिलाड़ी। प्रियंका उन रेयर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से हैं जिन पर स्टंट्स अच्छे लगते हैं, और इसीलिए व्हेन द मेकर्स ऑफ खतरों के खिलाड़ी वर कंसिडरिंग अ फीमेल एंकर फॉर देयर शो, दे कुड नॉट थिंक बियॉन्ड PC. Priyanka was quite a hitler on the show and made the contestants work really hard. Isi show mein Priyanka ne apne ex good friend Aki ko replace kiya as the host of the third season. Wo determined thi ki what a boy can do, a girl can do better. PC indeed proved herself by working very hard and performing the stunts herself. But however, Akshay was back hosting the next season of the show. L for Lady Gaga. Priyanka Chopra, जिनके खुद के million of fans हैं, is herself a big fan of Lady Gaga. And she was kind of starstruck जब उन्हें pop icon Lady Gaga से मिलने का मौका मिला after her concert at the Madison Square Garden. The two stars bonded big time, and now when PC is pursuing her music professionally, PC is being represented by Troy Carter from Atom Factory, the same management firm behind Gaga. In fact, Lady Gaga said, "Priyanka is wonderful and I am very excited for her musical career." She even volunteered to be PC's cheerleader. Atom Factory CEO Troy Carter said, "Priyanka is a triple treat. She can sing, dance and act, which is rare amongst artists. She will be the first bona fide pop artist to come directly out of India. The question now is, can Lady Gaga's managers turn our Desi girl into a global pop star?" M for Miss India and Miss World. Tomboy
प्रियंका चोपड़ा को उनकी मॉम और छोटे भाई सिद्धार्थ ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने को कहा। एंड ओवरनाइट शी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंपल स्मॉल टाउन गर्ल इनटू अ मिस इंडिया। मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट के 3 महीने के फासले में अ वाइड आइड 17-year-old प्रियंका हैड अ मिनी एडवेंचर इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन एंड मॉडलिंग। 2000 में उन्हें डिक्लेयर किया गया एज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड जब वो जीती मिस वर्ल्ड का खिताब। एंड सिंस देन शी हैज बीन रूलिंग ऑल दैट शी वांट्स। मिस वर्ल्ड जीतकर शी डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द बिग बैड वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड और बन गई वहां की रेजिडेंट स्क्रीन गॉडेस। एन फॉर नोज जॉब। प्रियंका चोपड़ा वेहमेंटली ये डिनाई करती हैं कि शी हैज गॉट हरसेल्फ अ नोज जॉब डन। हाउएवर स्पेकुलेशन इज दैट पीसी वेंट अंडर द नाइफ नॉट ओनली वंस बट ट्वाइस टू मेक हर नोज फाइनली मैच हर फीचर्स टिल शी गॉट इट परफेक्ट। वेल दीस पिक्चर्स स्पीक द ट्रूथ। व्हेन पीसी वन हर मिस इंडिया टाइटल उनकी नाक थी चौड़ी और आज इट लुक्स शार्पर। हालांकि द पिंच्ड नोज सूट्स हर वेरी वेल एंड वी होप दैट शी इज हैप्पी विद दिस एडिशन ऑफ हर नोज। ओ फॉर ओपोनेंट्स। बॉलीवुड में प्रियंका की सबसे बड़ी ओपोनेंट है हर वन टाइम गुड फ्रेंड करीना कपूर। बेबो जो पीसी से प्रोफेशनली सीनियर है वाज इन फॉर अ रूड शॉक व्हेन अ रैंक न्यू कमर लाइक प्रियंका वॉक्ड अवे विद ऑल द एक्लेड्स फॉर देयर फिल्म एतराज। एंड देन पीसी'स ग्रेजुअल राइज टू स्टारडम डिड गिव बेबो मेनी स्लीपलेस नाइट्स। एंड द लास्ट स्ट्रॉ वाज द फैक्ट दैट प्रियंका स्टार्टेड डेटिंग करीनाज एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर। और उसके बाद तो इन दोनों कैट्स ने अपने फाइट को कभी छुपा के नहीं रखा। दे हैव ऑलवेज एंजॉयड टेकिंग पॉट शॉट्स एट ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पी फॉर पिगी चॉप्स। बॉलीवुड में प्यार से लोग प्रियंका चोपड़ा को पिगी चॉप्स के नाम से बुलाते हैं। दिस नेम वॉज कॉइंड बाय नन अदर देन हर कोस्टर अभिषेक बच्चन ऑन द सेट्स ऑफ देयर फिल्म ब्लफ मास्टर। प्रियंका का कहना है कि राइट फ्रॉम माय फैमिली फ्रेंड्स फैंस एंड इवन द मीडिया कॉल मी पिगी चॉप्स। इट्स क्यूट इट्स नाइस बट बस यार आई एम नाउ बोर्ड ऑफ इट। आई डेस्परेटली वॉन्ट अ न्यू निकनेम। इट विल बी नाइस टू हैव अ न्यू वन। वेल वी होप एबी इज लिसनिंग। क्यू फॉर द बिग क्वेश्चन। The big question that Priyanka's fans want to ask her today is, PC darling, when it comes to falling in love, aapko zyadatar matured married men hi kyun pasand aate hain? And one look at Priyanka's love life in Bollywood and you would know ki ye sawal kitna jayaz hai. Akshay Kumar and now SRK. Yahan tak ki Shahid Kapoor jo unke boyfriend the, for a while was her one-time best friend Kareena Kapoor's ex-boyfriend. R for Roma. जब फिल्म डॉन में डॉन कन्फेसेस दैट रोमा इज हिज बैड हैबिट यू नो दैट दिस किक एस बेब इज मच मोर देन जस्ट अ प्रिटी लिटिल थिंग। रोमा के कैरेक्टर में प्रियंका ने 4 चांद लगा दिए एंड शी डेफिनेटली प्रूव टू बी अ परफेक्ट अपोनेंट टू डॉन। पहली फिल्म में रोमा फॉल्स इन लव विद अ सिंपल विजय ओनली टू बी बिट्रेड बाय हिम लेटर। और डॉन 2 में शी रिटर्न्स टू टेक रिवेंज। बट थ्रू आउट बोथ द फिल्म्स रोमा और डॉन के बीच की केमिस्ट्री एंड देयर लव हेट रिलेशनशिप जस्ट एड्स टू द सेक्सीनेस ऑफ द डॉन सीरीज। एंड मोर देन एवरीथिंग एल्स इसी फिल्म से रोमा और डॉन की तरह ही SRK और प्रियंका के रियल लाइफ केमिस्ट्री के रूमर्स भी बाजार गर्म करने लगे। एंड एज डॉन एप्टली सेड रोमा डेफिनेटली proved to be his biggest bad habit. S for Shahid Kapoor. शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा का अलेजेड अफेयर शुरू हुआ था ऑन द सेट्स ऑफ कमीने। दो आज तक इन दोनों ने अपनी इस ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप को पब्लिकली अक्नॉलेज नहीं किया है बट द टू हैव बीन स्पॉटेड बाय द मीडिया टुगेदर एट वेरियस ओकेजंस।
और एक बार जब बीच रात में पीसी के घर पर आईटी की रेड पड़ी तो अपेरेंटली अ स्लीपी लुकिंग शाहिद आंसर द डोर इन हिज पजामास। टी फॉर ट्विटर एडिक्ट। Priyanka Chopra ke Twitter page par she describes herself as an actor, recording artist, new edition, wink wink, dreamer, child, nomad, lover, achiever, walking to my own music. Priyanka undoubtedly Bollywood ki sabse badi Twitter addict celebrity kehlai ja sakti hain. Wo kya khati hain, kahan jati hain, kya dekhti hain? Each and every detail of her life she updates on Twitter without fail. Aisa lagta hai that she is one celebrity who likes to keep her fans well informed about herself through this microblogging site. Within minutes of Priyanka Chopra releasing her single In My City along with her international team in Mumbai, Chopra's close to 3 million Twitter fans ensured that their star took the number one position on Twitter. PC said, "I feel exactly like when my first film released." You for UNICEF National Ambassador. Priyanka Chopra, जो एक former Miss World रह चुकी हैं, was recently signed on as the National Ambassador for UNICEF. Priyanka, जिनके दोनों parents doctors हैं, has always had a philanthropic streak in her. And now with this latest development, where she will be endorsing UNICEF's Children Welfare and Fundamental Rights Campaign in India, she will definitely be able to do something concrete in this field and help humanity. V for Vishal Bharadwaj. Vishal Bharadwaj holds a very special position in Priyanka Chopra's life, kyunki inki film Kameene was PC's first foray into the serious cinema zone. पर आज विशाल और प्रियंका के बीच हो गया है फॉल आउट आफ्टर द डेबिकल ऑफ देयर फिल्म सात खून माफ। यहाँ तक कि विशाल हु इज कंसिडरिंग प्रियंका फॉर हिज फिल्म टू स्टेट्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अदर एक्ट्रेसेस। W फॉर वेस्ट। Priyanka Chopra says, "I don't believe in size zero." Bollywood mein Priyanka Chopra jaisa small waist shayad hi kisi aur ka hi hoga. She is so petite and slim that kabhi kabhi to unhe dekhkar hairani hoti hai ki kahin wo kuch khati bhi hai ya nahi. But Priyanka is not a health freak in any sense of the word. She works out, yes, but not more than an hour. Apart from that, she does yoga. Her hourglass figure is to die for, and she looks gorgeous in any outfit that she wears. X for X's. प्रियंका चोपड़ा की एक्स फाइल है काफी लंबी। अक्षय कुमार, हरमन बवेजा, शाहिद कपूर, शाहरुख खान, जेरार्ड बटलर। जी हाँ, हॉलीवुड एक्टर जेरार्ड बटलर वाज आल्सो स्मिटन बाय अ हॉट हॉट पिगी चॉप्स। सुनने में आया था कि ही हैड इवन प्रपोज्ड मैरिज टू हर। एनीवे, बट द रीसेंट न्यूज डूइंग द राउंड इज पीसीज अलेज्ड क्लोजनेस विद किंग खान एंड इट्स रेपरकशंस ऑन हर करियर। Why? For why did she do Pyar Impossible? एक चीज जो आज तक पिगी चॉप्स के फैंस को नहीं समझ आई है वो ये है कि व्हाई डिड शी चूज टू डू यशराज फिल्म्स प्यार इम्पॉसिबल। जी हाँ, अपने करियर के पीक पर व्हेन हर फिल्म्स लाइक दोस्ताना, फैशन एंड कमीने वर क्रिएटिंग क्वाइट अ स्टर एट द बॉक्स ऑफिस, दैट केम हर फर्स्ट YRF वेंचर प्यार इम्पॉसिबल, एंड दैट टू विद नन अदर देन द टोटली रिटन ऑफ एक्टर एंड YRF साइन उदय चोपड़ा। तो जाहिर सी बात है, द फिल्म वॉज हीरोलेस और ऊपर से स्टोरीलेस भी। तो ऐसे में प्रियंका, व्हाई वुड यू डू दिस टू योर करियर? जेड फॉर जंजीर रीमेक।
70s की कल्ट क्लासिक जंजीर के मॉडर्न रीमेक में प्रियंका प्लेज द रोल ऑफ माला। अपूर्व लाखिया की इस फिल्म के लिए इट वॉज रूमर्ड दैट प्रियंका वॉज पेड अ वॉपिंग 12 crores। ये फिल्म पीसी के लिए और भी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इट विल मार्क हर सिंगिंग डेब्यू इन बॉलीवुड। प्रियंका विल बी हर्ड सिंगिंग अ फुल लेंथ सॉन्ग इन दिस फिल्म। That brings us to the end of today's episode. अगले हफ्ते हम फिर एक्सप्लोर करेंगे एक नए स्टार की लाइफ के अल्फाबेट्स को और जानेंगे उनकी जिंदगी के वो 26 एंगल्स विच मेक्स देम सो स्पेशल ओनली ऑन स्टार A to Z। तब तक यू कीप वॉचिंग जिंग बॉलीवुड मैडनेस।